सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेगानिस यूट्यूब चैनल में। ओके जी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ओके तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके तो आज हम देखने वाले हैं कि वेबसाइट का जो मतलब है, वेबसाइट क्या होती है। ओके उसके बाद हम देखने वाले हैं कि वेबसाइट के जो प्रकार है, किस प्रकार के इसके जो प्रकार पड़ते हैं। ओके उसी के साथ साथ हम जो वेबसाइट के फायदे भी देखने वाले हैं। ओके तो आज हम इस तीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो दे रहे थे। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट का मतलब। ओके वेबसाइट का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट पे जो कुछ भी पेज देखते हैं उसे आप जो है वेबसाइट कर सकते हैं। जैसे कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक वेबसाइट के ऊपर ही देख रहे हैं। ये जो वेबसाइट है, आप जो है youtube.com, ये वेबसाइट के ऊपर ही मेरा जो आप वीडियो देख रहे हैं। ओके उसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो वेब पेज है, अब जो इसे आप वेब पेज भी कर सकते हैं, उसके साथ आप उसे वेबसाइट भी कर सकते हैं। ओके ये जो वेबसाइट होती है, इसके अंदर हम जो है इमेज का यूज़ कर सकते हैं। ओके उसी के साथ साथ आप जो है वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप जो है इस वेबसाइट पे ऑडियो, वीडियो और इमेज का जो है यूज़ कर सकते हैं। इन चारों को मिलाकर जो वेबसाइट बनती है, उसी के साथ साथ जो कुछ टेक्स्ट होता है, ये चार पांच जो चीज़ें हैं, इनको मिलाकर जो है पूरी वेबसाइट बनती है। ओके तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि वेबसाइट का मतलब क्या होता है। ओके तो उसके बाद हम देखते हैं कि वेबसाइट के प्रकार किस प्रकार है। ओके आप देख सकते हो कि वेबसाइट के बहुत सारे प्रकार गिरते हैं, लेकिन मेन तीन ही प्रकार है, उसके अंदर ये सब आते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो है स्टैटिक वेबसाइट, उसके बाद डायनामिक वेबसाइट, उसके बाद है ई कॉमर्स वेबसाइट। उसी के साथ साथ उसके कुछ सब प्रकार भी पड़ते हैं, जैसे कि आपको मैं गिनवाऊँ। ओके तो सबसे पहले आप वेबसाइट के टाइप्स अगर जानना चाहो तो उसके अंदर आप सबसे पहले पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं। ओके उसके साथ साथ आप जो है ब्लॉग वेबसाइट भी बना सकते हैं। ओके उसके बाद आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ओके उसी के साथ साथ आप कंपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ओके मतलब एक अंदर कंपनी होगी, उसकी जो वेबसाइट होती है वो आप बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है सोशल मीडिया वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया की आप बताना चाहो तो सोशल मीडिया की जो वेबसाइट है फेसबुक, ये सोशल मीडिया का जो वेबसाइट होगी। उसी के साथ साथ आप जो ट्विटर है, ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है। ओके उसी के साथ साथ आप जो है उसके साथ आप जो है पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। ओके ये अलग सा इसका प्रकार है वेबसाइट का, पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसके साथ साथ आप जो एजुकेशन वेबसाइट देखते हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो एक हो गया। इस तरह से वेबसाइट के बहुत सारे जो है प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ओके उसके साथ साथ अगर हम इसके फायदे देखना चाहें वेबसाइट के, तो ये बहुत ही आसानी से सभी को समझ में आएगा ऐसे, क्योंकि हर कोई वेबसाइट का जो है यूज़ कर सकता है। अगर हम वेबसाइट का जो है फ़ायदा जानना चाहें तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हो इंटरनेट के बिना वेबसाइट चल नहीं सकती, इसीलिए आपको जो है वेबसाइट के लिए आपको जो है इंटरनेट चाहिए होगा, तो वो जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। ओके उसके साथ साथ आप वेबसाइट की मदद से हम जो है हमारा ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ओके हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसी के साथ साथ हमारा जो अगर कुछ कौशल्य, मतलब कौशल्य का मतलब होता है हमारा स्किल, कुछ स्किल बनाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। ओके अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो तो मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, वहाँ से कुछ वीडियो देखूंगा, या फिर आप जो है ब्लॉग पर जा सकते हैं, ब्लॉग वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। ऐसे बहुत सारे आपके जो है कौशल्य यहाँ पर आप जो है बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आप अगर पर्सनल वेबसाइट बनाते हो तो वो जो है अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग लोग, बहुत सारे लोग एक साथ एक ही वेबसाइट को देख सकते, विजिट कर सकते हैं। ओके उसी के साथ साथ आपको जो है आप वर्ल्ड वाइज वो जो है आपकी वेबसाइट देख सकते हैं। जैसे कि आप इंडिया में आप रहते हो, लेकिन आपकी वेबसाइट जो है इंग्लैंड के लोग भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड में कहाँ भी बैठ कर आपकी जो है वेबसाइट देखे जा सकती हैं। उसके साथ साथ आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से है दूर दूर बैठे लोगों से, फॉर एग्जांपल अलग अलग देशों में बैठे लोगों से संवाद जो है साध सकते हैं। उसी तरह से आप जो उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बहुत सारे जो आप जो है रिलेशन बना सकते हैं सोशल मीडिया के जो है वेबसाइट के थ्रू।
ओके उसी तरह से आप जो है एजुकेशन भी ले सकते हैं वेबसाइट से। ओके आजकल बहुत सारे लोग अब देखते हैं छोटे बच्चे बायजूस ऐप या फिर बहुत सारे जो है वेबसाइट है बच्चों के लिए बन गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये जो है वेबसाइट के थ्रू ही जो है आप देख सकते हो कि किस तरह से वो जो है एजुकेशन लेते हैं। ओके उसी के साथ साथ अगर आप अगला जो उसका बेनिफिट देखोगे उसका जो फ़ायदा देखोगे तो ई कॉमर्स साइट जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ से आप जो है बहुत सारे जो है प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ओके उसी के साथ साथ आपका क्या होगा, आपका जो है टाइम बच जाएगा। ओके उसके साथ साथ आपके कुछ पैसे भी सेव हो जाएंगे क्योंकि कुछ डिस्काउंट चलते रहता है, उसी के साथ साथ कुछ ऑफर होती है वेबसाइट के ऊपर, तो वो जो है आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। ओके उसी के साथ साथ आपका जो है टाइम भी बच जाता है, आपको अगर ख़रीदना हो तो आप बाज़ार जाओगे उसमें बहुत सारे आपके जो है टाइम वेस्ट होगा, तो आप जो है वेबसाइट के ऊपर आप जो है अच्छे से आपका टाइम बचा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके जो है पैसे भी सेव होते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको जो वेबसाइट के जो फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। ओके तो आशा करता हूँ आपको जो ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।